हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ और टेंथ के फॉर्मूले। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हम क्लास नाइन्थ के फॉर्मूले। तो फर्स्ट अपन देखते हैं आइडेंटिटी जो होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। नेक्स्ट देखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है आपका ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका आपका होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फोर्थ आपका होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। इसका आपका हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। फिफ्थ है आपका ए माइनस बी का होल क्यूब। ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी। इसका आपका हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में नेक्स्ट ब्रैकेट में आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। नेक्स्ट है आपका इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल में क्या होंगे आपके सभी साइड इक्वल होंगे। तो अपन एरिया देखते हैं इसका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका एक हो जाता है आपका रूट थ्री ए स्क्वायर बाय फोर। नेक्स्ट आपका रहेगा आइसोस्केलेस ट्रायंगल। इसमें आपके क्या होंगे दो साइड आपके टू साइड इक्वल होंगे। तो एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल ये आपका हो जाएगा b बाय फोर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मूला नंबर नाइन। नेक्स्ट हम देखते हैं राइट सिलेंडर के फॉर्मूले। तो राइट सिलेंडर का शेप आपका रहेगा ऐसे। अब इसमें क्या होता है आपका नीचे आपका सर्कल है तो ये आपका रेडियस होगा। यहाँ भी आपका सर्कल है तो ये आपका हो गया रेडियस। और सर्कल रेडियस और रेडियस के बीच का डिस्टेंस आपका हो जाता है हाइट। तो एच आपका हो गया हाइट एन आर आपका हो गया रेडियस। तो अपने वो फर्स्ट जैसे अपन निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ राइट सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ राइट सिलेंडर आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट रहेगा आपका कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में सी एस ए भी बोलते हैं सी एस ए ऑफ राइट सिलेंडर। तो यह आपका हो जाता है टू पाई आर एच। यह आपका हो जाएगा टू पाई आर एच। नेक्स्ट आपका हो जाएगा टोटल सरफेस
टोटल सरफेस एरिया टी एस ए ऑफ राइट सिलेंडर तो ये आपका हो जाएगा 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। तो ये आपके हुए सिलेंडर के राइट सिलेंडर के फॉर्मूले। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मूले ऑफ कोण। आपका नेक्स्ट हो जाएगा कोण। इसके फॉर्मूले हम देखते हैं। कोण का शेप आपका जैसे आपका कैप होता है जोकर का उस टाइप का रहेगा। इसमें भी आपका रहेगा सेंटर, आपका सर्कल है बॉटम में, तो ये आपका रेडियस हुआ, ये आपका हाइट हो जाएगा और ये आपका होता है स्लेंट हाइट। आपका आर हुआ रेडियस, एच हुआ आपका हाइट एंड एल होगा आपका स्लेंट हाइट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है आपका 1/3 πr² h, 1/3 πr² h होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कर्व सरफेस एरिया सी एस ए ऑफ कोन। तो ये आपका होता है पाई आर एल। नेक्स्ट आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ये होता है आपका पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। तो ये आपके हैं कोन के फॉर्मूले। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पीयर के फॉर्मूले। स्पीयर जैसे आपका रहता है बॉल के शेप में आपका रहेगा स्पीयर। इसमें आपका रहेगा सेंटर तो आपका रेडियस। तो इसका जो है अपन जैसे वॉल्यूम निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर होता है 4/3 πr³। नेक्स्ट आपका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर। कर्व सरफेस एरिया जो है स्पीयर का नहीं होता है तो इसका क्या होगा आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो ये होता है 4πr² होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम हेमिस्फीयर के फॉर्मूले। आपका नेक्स्ट होगा हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर आपका कैसा रहता है सर, स्पीयर का हाफ जो रहेगा वो आपका हेमिस्फीयर हुआ। तो ये आपका जैसे रेडियस हुआ। तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। सबसे पहले अपन देखते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है आपका 2/3 πr³। नेक्स्ट आपका हो जाएगा सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। ये आपका हो जाएगा 2πr². नेक्स्ट आपका हो जाएगा टी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये आपका हो जाएगा 3πr². कवर सरफेस एरिया आपका 2πr² होता है और टोटल सरफेस एरिया आपका हो जाएगा 3πr². तो अब जो नेक्स्ट देखेंगे अपन क्लास 10 के फॉर्मूले देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पॉलीनोमियल इक्वेशन। पॉलीनोमियल इक्वेशन के जो फॉर्मूले होंगे तो क्वाड्रेटिक जो होता है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो आपका होता है ए एस स्क्वायर प्लस
बी एस प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होता है। तो अपन लेट एज्यूम करते हैं अपन कि इसके दो रूट्स हैं, दो रूट्स हैं इसके, अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ टू रूट्स वो आपका है अल्फा प्लस बीटा, तो सम आपका होता है इनका माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हो जाएगा आपका क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, ये आपका हो जाता है सी बाय ए हो जाता है। ये क्वाड्रेटिक का हुआ। इसमें अपन देखते हैं क्यूबिक का क्या होता है। क्यूबिक का जो इक्वेशन रहेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का, वो आपके फॉर्म होता है ए एस क्यूब प्लस बी एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस डी इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में रहेगा। इसके अपन रेज्यूम करते हैं, इसके रूट जो हैं अल्फा बीटा एंड गामा। स्क्वायर में क्या था आपका, पावर टू था, तो उसके टू रूट्स होते हैं। यहाँ पर पावर थ्री है, इसको कितने रूट्स होंगे, थ्री रूट्स होते हैं। तो अपन निकालते हैं इनका सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सम आपका आ जाएगा माइनस बी बाय ए। अब इनका प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी बाय ए, प्रोडक्ट का सम। अब नेक्स्ट जो है ओनली तीनों रूट्स का प्रोडक्ट, वो आपका हो जाता है डी बाय आपका हो जाएगा ए। हम जो देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है आपका एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एच प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। यहाँ अल्फा बीटा क्या है आपके रूट्स हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं हम, नेक्स्ट हम देखेंगे डिवीजन एल्गोरिदम। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो ये आपका होता है डिवीजन एल्गोरिदम होता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो जैसे रूट्स निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसका फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, जहाँ पर आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू होगा जीरो। नेक्स्ट हम देखते हैं एपी सीरीज के फॉर्मूले, अल्थोमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले। तो हम देखते हैं कि एपी सीरीज अपन लेते हैं कोई सा है, जैसे ए वन ए टू ए थ्री अप टू एन, वेयर ए वन ये आपका क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, इसे अपन लेते हैं ए ले लेते हैं। आपका कॉमन डिफरेंस जो होगा इसको अपन डी लेते हैं, डी इक्वल टू आपका हो जाएगा ए टू माइनस ए वन, जो होगा आपका होगा नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। अपने को जैसे फाइंड आउट करना है ए एन, मतलब एन पोजीशन में कौन सा टर्म है, तो अपने को निकालना रहेगा, तो वो निकालेंगे अपन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपका जो लास्ट टर्म जो होता है उसको अपन एल से डिनोट करते हैं,
अगर इसको फाइंड आउट करना है लास्ट टर्म को भी, तो उसका भी आपका सेम फॉर्मूला रहेगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब नेक्स्ट इस सीरीज में अपन देखते हैं सम ऑफ ऑल द टर्म्स, हम फाइंड आउट करना है अपने को सम ऑफ ऑल द टर्म्स। तो सम ऑफ ऑल टर्म्स इसको अपन डिनोट करेंगे एस एन से। तो सम ऑफ एन टर्म्स का क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और अपन इसको ले सकते हैं, अगर अपने को लास्ट टर्म नॉन है तो एन बाई टू ए प्लस एल। नेक्स्ट आपका सम ऑफ एन पॉजिटिव टर्म्स, आपके सम अगर निकालना है, अगर अपने पॉजिटिव टर्म्स जो है एन तक है, अपना एन टर्म्स तक है, तो उसको हो जाएगा आपका फॉर्मूला एन एन प्लस वन बाय टू। तो ये आपके हो गए एपी सीरीज के फॉर्मूले। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट आपका हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आपका होता है रूट ऑफ एस टू माइनस एस वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। आपका एस टू माइनस एस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वन का होल स्क्वायर, वेयर एस वन एस टू वाई वन एंड वाई टू आपके क्या होंगे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होंगे, ये आपके क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट होंगे। नेक्स्ट आपका हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला। इसमें हम क्या करेंगे, दो कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालते हैं। तो ये आपका होता है एम वन एस टू प्लस एम टू एस वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। एक पॉइंट आपका ये होगा कोऑर्डिनेट पॉइंट जो रहेगा, और एक होगा आपका एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो ये आपके हो गए सेक्शन फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है वन बाई टू मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले। तो ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल में आपका ए बी जो होता है ये होता है आपका बेस, ए सी हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, एम बी सी हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस। तो अपने को जैसे कोई एंगल मान लेते हैं थीटा यहाँ पर है, तो अपने को लेते हैं साइन थीटा का, साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा आपका ए सी अपॉन बी सी। नेक्स्ट देखते हैं कॉस थीटा का, कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा आपका ए बी अपॉन बी सी। उसके बाद हम देखते हैं टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू होता है आपका पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आपका हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। देखते हैं अपन कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा जो रहेगा आपका साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है। तो ये हो जाएगा आपका एच अपॉन पी, मीन्स ये आपका हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। नेक्स्ट आपका हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा आपका होता है कोस थीटा का अपोजिट होता है। तो ये हो जाएगा आपका एच अपॉन डी, जस्ट अपोजिट लेना है आपका, हो जाएगा ये बी सी अपॉन
कॉट थीटा जो होता है आपका, ये होता है टेन थीटा का जस्ट अपोजिट होगा, तो ये हो जाएगा आपका बी अपॉन ए, मतलब आपका हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। अब हम देखेंगे कि साइन थीटा जो होगा आपका, ये हो जाएगा वन अपॉन कोसेक थीटा इक्वल, या अपन इसको और लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा। वैसे ही आपका कॉस थीटा इक्वल टू होगा आपका वन अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका वन अपॉन कॉस थीटा। एंड थीटा इक्वल टू आपका होता है वन अपॉन कॉट थीटा, या और इक्वल होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा जो होता है वो इक्वल होता है वन अपॉन टेन थीटा, या इसको ले सकते हैं अपन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखेंगे थीटा की जो वैल्यू है साइन टू कॉट थीटा तक, अगर अपन 0 0 30 45 60 एंड 90 डिग्री पुट अप करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगा। पाई के फॉर्म में 30 डिग्री का आपका होता है पाई बाय 6 होता है, 45 में पाई बाय 4 होगा, 60 में पाई बाय 3 होता है, एंड 90 डिग्री में आपका पाई बाय 2 भी लिखते हैं। 0 का आपका क्या हो जाएगा 0, साइन 30 का आपका होता है 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का आपका होता है √3/2, साइन 90 का वैल्यू होता है 1। कॉस थीटा का आपको हो जाएगा जस्ट अपोजिट लेना है आपको, यहाँ से वैल्यू कॉस 0 हो जाएगा आपका 1, कॉस 30 डिग्री का होगा आपका √3/2, कॉस 45 का होगा 1/√2, कॉस 60 का हो जाएगा आपका 1/2, और कॉस 90 का हो जाएगा 0, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा आपका वैल्यू इसका। 0 डिग्री का होता है आपका 0, टेन 30 का होता है 1/√3 होता है, टेन 45 का 1 होगा, 1060 का होगा आपका √3, एंड 1090 का आपको होता है नॉट डिफाइन होता है, या आप इसको और क्या बोल सकते हैं इनफिनाइट वैल्यू। कोसेक थीटा जो है जस्ट आपका अपोजिट होता है साइन थीटा के, तो इसका कोसेक 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1/0 होगा, दैट इज क्या होता है इनफिनाइट होता है। कोसेक 30 का क्या हो जाएगा 2, कोसेक 45 का क्या हो जाएगा आपका √2, कॉसेक 60 का क्या हो जाएगा आपका 2/√3 हो जाएगा, एंड कॉसेक 90 का क्या हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं अपन सेक थीटा, 0 पे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, सेक 30 डिग्री का हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, सेक 45 का क्या हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा, सेक 60 का क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और sec 90 डिग्री का आपका 1/0 हो जाएगा, डेट इस क्या होगा आपका इनफिनाइट हो जाएगा। cot जो होता है tan का जस्ट अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा आपका cot 0 का हो जाएगा 1/0, डेट इस इनफिनाइट। cot 30 का होगा आपका √3, cot 45 का होगा 1, cot 60 का होगा आपका 1/√3, एंड cot 90 का आपको हो जाएगा 0। देखते अपन जैसे sin 90 डिग्री माइनस थीटा, ये इक्वल होता है आपके कॉस थीटा के इक्वल, कॉस 90 माइनस थीटा ये आपका होगा साइन थीटा के इक्वल, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा के इक्वल, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा ये आपका हो जाएगा टेन थीटा। नेक्स्ट आपका सेक 90 माइनस थीटा आपका होता है कोसेक थीटा, एंड कोसेक 90 माइनस थीटा आपका होता है सेक थीटा। नेक्स्ट हम देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका 1,
वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मूले जो है, अपन देखते हैं सर्कल जो हुआ अपना, ये हुआ इसमें आपका सेंटर हुआ ओ, तो अपन एक आर्क लेते हैं ए पी बी, ये आपका आर्क हो गया। यहाँ एक एंगल बन रहा है आपका सेंटर में थीटा, तो अपन देखते हैं इस एरिया ओ ए पी बी, इसका एरिया देखेंगे सेक्टर का, और ए पी बी जो आर्क है उसका लेंथ अपन देखेंगे फॉर्मूले से। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, इसका हम एरिया देखते हैं, तो ये होता है आपका थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ द सेक्टर, लेंथ ऑफ द सेक्टर क्या हो जाएगा आपका ए पी बी का, ये होगा थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो ये आपके हुए एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ सेक्टर जो है सर्कल का। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रस्टम के फॉर्मूले। तो अपन जैसे एक लेते हैं कोण लेते हैं, इसको मैं मिड पॉइंट से कट कर रहा हूँ, तो वो आपका बॉटम का जो शेप हो जाएगा ये आपका हो जाएगा फ्रस्टम। तो आपका यहाँ पर जो है सर्कल जो रहेंगे उनका रेडियस जैसे लेते हैं आर वन हुआ और ये आपका आर टू हुआ, इनके बीच का डिस्टेंस हुआ एच, और ये लेंथ जो हुआ हाइट हुआ आपका एल हुआ। तो अपन जैसे निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, ये कोन का फ्रस्टम है तो उसका निकालेंगे अपन कोन का वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का वॉल्यूम, तो ये आपका होता है 1/3 पाई एच आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू। नेक्स्ट देखते अपन कवर सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, तो ये हो जाएगा आपका पाई एल आर वन प्लस आर टू, अगर अपन एल जो है वो फाइंड आउट करेंगे एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर होल स्क्वायर, इससे अपन एल को फाइंड आउट करके यहाँ पुट अप करेंगे। नेक्स्ट होगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, वाई एल आर वन प्लस आर टू प्लस पाई आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर। तो ये हुए फ्रस्टम्स के फॉर्मूले, ये हुए आपके क्लास 9 एंड 10 के फॉर्मूले। रेस्ट फॉर्मूले जो रहेंगे वो हम बाकी जो सॉल्व करेंगे चैप्टर उसमें अपन इसको देखेंगे। आपको वीडियो पसंद आ रहा तो फ्रेंड प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आइकॉन को दबाना ना भूलें। आपके जो डाउट होंगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। बाय फ्रेंड्स।